या एसपीएलए की जनरल वाली, लेकिन मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपका की तवज्जा दिलाऊंगा कि अगर हमारे इदारे हैं और इदारे फाल है तो हमारी सर्विस और हमारा वजूद बाकी है। अगर हमारे इदारे फाल नहीं है और उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर हमारे वजूद को भी खतरा है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस काम में है कि ये कब इदारे बिके और हम इनको खरीदे। ये तबकाती सिस्टम में हम रह रहे हैं, क्योंकि समाज में एक तबकाती सिस्टम हमें पैदा होने से कब्र तक मिला है, वृक्ष में मिला है। गरीब का बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, पहले ये नहीं हुआ करता था कि अमन बोलो साहब बैठे ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े मुस्लिम कॉलेज के शागिर्द है। आज हर बंदा कहता है कि मेरा बच्चा किसी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़े, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़े। बात क्या है, चीज़ें क्या है, जो मदद नहीं है। ये वो मुझे सीनियर नजर आता है, जैसे एस आर टी सी का हाल हुआ था, सिंध रोड ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर चलती थी, जब कोचेज आए तो वो इदारा तबाह और बर्बाद होकर बंद हो गया। आप इसकी तरफ तवज्जो दें। सेक्रेटरी साहब ने कहे, मैं छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि हर बंदा कहता है कि मेरा बच्चा किसी खूबसूरत कॉलेज में हो जहाँ उसके ड्रेसिंग का, उसकी जिस्मानी, उसकी जहनी निशोनुमा हो और वहाँ वो सारी चीज़ें हो। आज गवर्नमेंट कॉलेज के हाल देखो, वहाँ के लेबॉरटरीज को देखो, खस्ता हाल है। अगर जिस तरह गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स का हाल है, किसी को गरीब को अगर वहाँ मरीज को एडमिट कराना है तो उसके मौत का इंतजार करो, अगर किसी बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इदारों में उनको एडमिट कर। ये तबका निश्चित कर लें। आप अपने चीज़ों को, मैं अपने आप को उस काबिल बनाऊंगा और उस लहज पर लाऊंगा, उस मैार पर लाऊंगा तो मेरी पसंदीदा चीज़ें मेरी तरफ भाग की आएंगी और मैं उनको हासिल कर सकूंगा। आज इस बात की ज़रूरत है कि कॉलेज की जो एनवायरनमेंट है, कॉलेज के जो क्लासरूम्स हैं, कॉलेज की जो लेबॉरटरीज हैं और कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो तबाह बर्बाद है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये ज़माना पावर शेयरिंग का ज़माना है, वहाँ ऊपर से निचले सतह तक पावर शेयरिंग हो रही है, लेकिन हम पावर लेस कर रहे हैं। आज सेक्रेटरी साहब ने ट्रांसफर के लिए मिनिस्टर से आपको बोल देगा, आर डी की क्या है सब रही, वो एक पासपोर्ट की एनओसी, एक चोर डाकू जो जंगल में रहता है वो एनआईसी लेकर जाके अपनी पासपोर्ट बनवा लेता है और हमें पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। वो पुलिस वेरिफिकेशन कौन करता है, एक सिपाही बैठा होता है जो 20 ग्रेड के अफसर की पुलिस वेरिफिकेशन करता है। तो क्या मात्रा है कि अगर ये छोटा सा काम जो आर डी के हवाले किया जाए, डीजी तमाम डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी कराची के अंदर मौजूद है और हैदराबाद सिंध का सेंटर प्लेस है और तमाम डीजी जो है तमाम डिपार्टमेंट्स के हैदराबाद के में तैनात है, तो बड़ा मेहरबानी डीजी की पोस्ट को खत्म न करें, इसको हैदराबाद शिफ्ट करें ताकि इंटीरियर के दोस्तों को फायदा हो। वहाँ जितने बाकी डिपार्टमेंट्स के डीजी बैठे हैं तो ये डीजी भी आगे बैठ जाएगा। लेकिन अब ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली मरतबा हमें इसे मौका मिला बात करने का, अपना न्यूज़ शेयर करने का और ये सिलसिला चलेगा। तो किसी ने क्या कहा है, कहाँ जाओगे मुझे छोड़कर, ये मैं पूछ कर मेरा वो जवाब न उनको दे सका, वो खुद सराफा सवाल था, मैं मिला तो सदियों बाद भी